नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मिक्स सब्जी। इसके लिए आलू, पेठा, पालक, परवल, सोयाबीन और काले चने को हमने ले लिया है। काले चने भीगे हुए हैं। अब हमने पैन को गर्म कर लिया है और डाल दिया है सरसों का तेल और डाल देंगे जीरा। जीरा को चटकने देंगे। अब डाल देंगे एक एक करके सब्जी। सबसे पहले वो सब्जी डालेंगे जिसको सबसे ज़्यादा समय लगना है, वो है आलू। आलू को हमने डाल दिया है। एक मिनट के बाद हम डाल देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को पहले हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा झेंग आता है, इसलिए जब आलू डाल दिया उसके बाद हमने हरी मिर्ची को डाला है। अब डाल रहे हैं परवल, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा समय लगना है, इसको भी नीचे ही रखेंगे। इसके बाद डाल देंगे हम पेठा। ये जो काले चने हैं ये भिगो के रख दिए थे और फिर उनको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया है। और जो सोयाबीन है, सोयाबीन को मैंने एक मिनट के लिए उबाल के उनको आधे आधे टुकड़ों में काट के फिर मैंने उसको थोड़े से तेल में फ्राई कर लिया था। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ यही दो चीज़ें हैं इसमें फ्राई हैं, बाकी सब स्टीम पर ही पकेंगी। अब सबसे ऊपर डाल देना है हमने पालक को, क्योंकि पालक को सबसे कम समय लगना है, इसलिए पालक सबसे ऊपर रहेगा। और सारी सब्जियों को पालक के साथ कवर कर देंगे। पालक को अच्छे से फैला देंगे। और ये है अदरक। अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया था, उसको भी डाल दिया है। ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के बन रही है। अब डाल देंगे सूखे मसाले। सबसे पहले है हल्दी। फिर है नमक। नमक को अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे। फिर है लाल मिर्ची पाउडर, ये भी स्वाद अनुसार है। धनिया पाउडर, और यह थोड़ा सा गरम मसाला। अब इस सब्जी को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी इस पर करछी नहीं चलाएंगे। जैसी है इसको ऐसे ही हमने रखना है। बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बस। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब ये स्टीम पे पकेगी। एक मिनट के बाद हमने खोल के थोड़ा सा इसमें पानी डाला है ताकि नीचे सब्जी लग ना जाए, क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं डाला जा रहा है। अब यह है आलू, उबला हुआ आलू है और दूध है, इसका भी काम होना है। इसको भी रख देते हैं। सब्जी को हम 5 मिनट के बाद फिर चेक कर लेते हैं। अब करछी को चलाएंगे। 10 मिनट के बाद इसको हम करछी को चला रहे हैं। देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है। थोड़ी बहुत कसर बाकी है इसमें अभी, क्योंकि सब्जी ये खड़ी खड़ी लग रही है। इसको भी अभी करेंगे, सब्जी को थोड़ा सा चला लेंगे। सारी सब्जियों को चेक कर लेते हैं कौन कितना पका है। आलू पक चुका है। अब वो जो आलू और दूध जो हमने रखा हुआ था, बॉयल आलू और दूध, उसको मिक्सी में चला के उसका पेस्ट बना लिया है, उसको हमने इसमें डाल दिया है। ये हमारा मलाई का काम करेगा। हर वक्त घर में मलाई हो कुछ ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको डालते ही एक क्रीमी टेक्स्चर आ जाएगा और एक सब्जी को एक दूसरे से बाइंड कर देगा। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्स्चर आ रहा है। ऐसा लग रहा है हमने इसमें मलाई डाली है, लेकिन इसमें मलाई तो नहीं डाली है। दूध और आलू को हमने मैश करके इसमें डाला है, उसी से मलाई का इसमें टेक्सचर आ रहा है।
इसको फिर ढक देंगे 1 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे से आपस में मिल जाएं। चेक कर लेते हैं 1 मिनट के बाद। देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, सब कुछ एक दूसरे से मिल गया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं। ये देखिए पहले सब्ज़ी कैसे खड़ी खड़ी लग रही थी ना, अब देखो सब ये मिल गया है। कितना बढ़िया ये सब्ज़ी लग रही है, देख के सब कुछ पक चुका है। इसमें कुछ अब बाकी नहीं है पकने को, छोले वोले सब पक चुके हैं इसके अंदर। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। अब इसकी प्लेटिंग की बारी है, प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, हर एक सब्ज़ी एक दूसरे से मिली हुई नज़र आ रही है। आप इसको रोटी चावल पराठा किसी के साथ भी सर्व करें और एंजॉय करें। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।